यहाँ से फोर्थ नंबर का है क्यूशन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस सिक्सटीन वाई क्या करोगे आप जैसे इसमें सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री किसके अलोंग होगी वाई एक्सिस के अलोंग होगी वही कहानी सब कुछ सिमिलर रहने वाली है यहाँ पे कुछ अलग नहीं होने वाला है तो देखिएगा सिंपल सिंपल से क्यूशन है तो सॉल्यूशन में कि गिवन राबोला पेरा इक्वेशन पेराबोला इक्वेशन इन किसमें अक्स स्क्वेयर अक्स स्क्वेयर टर्म्स में है तो इसमें सिमेट्री किसके अलोंग होगी सिमेट्री अलोंग मेट्री अलोंग वाई एक्स वाई एक्सिस देन अपने पास पॉसिबल पेराबोलास क्या होंगे यानी कहानियाँ सब कुछ सेम चलने वाली है तो पॉसिबल पेराबोलास क्या आएंगे पॉसिबल पेराबोलास कौन से होंगे या तो वाई कौन सा अपने एक्स स्क्वायर में डिस्कशन चल रहा है तो यहां से क्या आएगा अक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर एक्स एंड यहां पर माइनस का फोर ए यहां पे y सॉरी और यहां पे भी y अब यहां से जैसे ही आप देखोगे कि कोपिशेंट ऑफ y क्या है नेगेटिव है तो क्या है तो कोपीसियंट of y is नेगेटिव है यहां से नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आते क्या होगा तो इसका जो कॉपिसेंट है वो नेगेटिव है देन कॉपिसेंट ऑफ वाई नेगेटिव इन अबो पैराबोला तो अबो पैराबोला के अंदर क्या है गिवन है वो अबो पैराबोला है उसमें वाई कॉपीसेंट नेगेटिव है देन अपने पास क्या होगा कि देन तो अपने पास जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी कि जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो वो अपने पास देखिएगा कि डाउनवर्ड वाला पैराबोला आ जाएगा जो कि क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस का फोर वाई जो कि किस में आएगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा डाउनवर्ड ओपन होगा यह yeah. अब ये आते ही अपने पास देखिएगा कि पेराबोला कौन सा है जो है वो अपने पास है डाउनवर्ड वाला एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का फोर ए वाई जनरल तो ये आया अब जो गिवन पेराबोला वो इसके साथ हम क्या कर देंगे कंपेरिजन करा देंगे तो गिवन पेराबोला कंपेयर कंपेयर विथ किसके साथ अक्स इस्क्वेयर माइनस का फोर ए वाई के साथ तो जैसे आप कंपेरिजन कराओगे तो यहाँ से देखिएगा कि माइनस का फोर ए इक्वल टू कितना है इधर माइनस का सिक्सटीन है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके लिए फोर आएगी तो ए की वैल्यू जैसे ही फ़ोर आई और आपको पता चल गया कि ये डाउनवर्ड पेरा बोला है वाई एक्सिस पे है तो इसकी थोड़ी सी आप ज्योमेट्री बनाने का कष्ट भी कर ही लीजिए चीज़ें आसान हो जाएगी ज्योमेट्री जैसे आपको ड्रॉ करने आ जाएगी ना तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी अब यहाँ से तो सीधे सीधे बातें भाई इसका जो फोकस आएगा वो नीचे आता है यहाँ पर अब वो क्या होता है कि एफ़ ज़ीरो कोमा माइनस का ए होता है यहाँ पे वर्टेक्स होता है और क्या देखोगे आप एल आर ये होती है यहाँ से इस फोकस से ऐसे जाएगी ये और यहाँ से देखिएगा कि इसके पैरल ये आएगी और ये अपने को यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है कि क्या होगा वो होगा वाई इक्वल टू ए ठीक है यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और वर्टेक्स आ गया फोकस आ गया डाइट्रिक्स डायट्रिक्स तो आ गया ना और ये अपने पास क्या हो गया एल आर, एल आर का फॉर्मूला फोर आर फौर फोर ए अब फोर ए अब वही बात है सिमिलरली अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो फोर कॉन्सेप्ट है वो लिखते हैं कि पहला तो क्या है अपने पास फोकस फोकस क्या है अपने पास माइनस कौन सा है कि एफ इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस का ए जो कि क्या होगा जीरो कॉमा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे फोर और माइनस अपने आप आएगा और यहाँ से वर्टेक्स तो आप सीधे ही लिख सकते हो जीरो को ज़ीरो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक तो और यहाँ पे अपने पास देखिएगा और क्या है अपने पास डायट्रिक्स वो कितना है ये अपने पास देखिएगा फोर यानी कि कितना होगा ये अपने पास y इक्वल टू ए तो ए ए कितना है यहाँ पे फोर तो यहाँ पे यह आएगा फोर ए और सेकंड फोर्थ लास्ट वाला क्या है अपने पास एल आर एल आर क्या होता है फोर ए और ये इक्वल में क्या आएगा फोर इन टू ए कितना आया फोर तो ये आया अपने पास सिक्सटीन